बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिहार की राजनीति में धुरंधरों का जब नाम आएगा तो नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। हालांकि इतने ही दिन राजद ने भी बिहार में शासन किया है। लालू प्रसाद यादव भी बिहार की इस राजनीतिक भैंस को हमेशा सिंह से पकड़ते आए हैं, मगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने वो चुंबकत्व प्राप्त कर लिया है कुर्सी के आसपास, ये कहीं ना कहीं अलग तरह की राजनीति है। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत कम लोगों को समझ में आती है, पर जिन्हें समझ में आती है वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कैसे अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी गाड़ी दाएं या बाएं मोड़ लेते हैं। एक बार फिर से जब कल लोकसभा में भाजपा ने एक बड़ा बिल लाया जिसमें सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहा गया, और जिस बिल के तहत 2014 के खास महीने तक भारत में आए हुए 6 अलग अलग धर्मों के लोगों को हम शरणार्थी मानकर अपना सिटीजनशिप देंगे यानी नागरिकता देंगे। कल फिर जब लोकसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर अमित शाह प्रस्तुत कर रहे थे तो सबकी नज़रें दो लोगों पर थी। एक तरफ जहां शिवसेना से उम्मीद थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो इस बिल का समर्थन करेगी, हालांकि वो अब NDA गठबंधन में नहीं है, मगर इसके बावजूद शिवसेना ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, यहाँ तक कि इसे राष्ट्र विरोधी बता दिया। वहीं दूसरी तरफ जदयू से उम्मीद थी कि वो इस बिल का विरोध करेंगे, मगर नीतीश कुमार ने इस बिल पर अमित शाह और भाजपा का समर्थन किया है। अब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया है, जहाँ इसके पास होने के चांसेस 70-30 हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये बिल कैसे पास होता है या कौन लोग इसके खिलाफ राज्यसभा में खड़े होते हैं। फिलहाल लोकसभा में जहां एक तरफ इस बिल का जमकर स्वागत हुआ है, वहीं एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में खड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर लगातार मीडिया की स्क्रूटनी हो रही है कि कैसे नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बात हो, 370 का बात हो या फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इन सभी पर कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग स्टैंड लिया था। NRC का मुद्दा हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सभी पर नीतीश कुमार ने अपनी अलग राय रखी थी भाजपा से अलग। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से भाजपा के CAB के मुद्दे पर साथ दिया है, इससे कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी में अब विरोध शुरू हो गया है। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करके सुबह ही आग मचा दी। डिसअपॉइंटेड टू सी JDU सपोर्टिंग CAB दैट डिस्क्रिमिनेट्स राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी मैं बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ कि JDU ने कैसे CAB का समर्थन किया जो कि धर्म विशेष के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। इट इज इनकॉग्नियस विथ पार्टीज Constitution that carries the word secular thrice on the first page and the leadership that is supported, guided and Gandhian ideology. सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस पार्टी की तरफ से ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करना कहीं ना कहीं उसके संविधान के, पार्टी के संविधान के खिलाफ जाता है, जिस संविधान में पहले ही पन्ने पर 3 बार सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, जिसके तहत उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस तरह से पार्टी को अपना स्टैंड नहीं बदलना चाहिए। जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रहा है, खास तौर पे इन सब मुद्दों पर जिसमें भाजपा के साथ उनकी मतभिन्नता होती है, उसे कायम रखना चाहिए था। लगातार ट्विटर पर सवाल भी ये आ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर किस मजबूरी में भाजपा का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे एक बिल का जिसमें खास धर्म के लोगों को बाहर रखा गया है। वहीं अब खबर ये आ रही है कि पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने भी इस बिल का विरोध किया है और इसे सीधे तौर पर कहा है कि ये एक काला दिन होगा। वहीं जदयू के एक और नेता NK सिंह ने भी इस बिल का विरोध किया है और नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो अपने स्टैंड पर CAB बिल पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें और इसके साथ साथ वो आने वाले समय में रणनीति बनाएं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अब बता दें आपको कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूर्व में, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, 370 हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर, उन्होंने
अपना स्टैंड भाजपा से बिल्कुल अलग रखा था। हालांकि सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल नागरिकता संशोधन नियम के तहत उस पर इनकी एग्रीमेंट है, यानी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सीएबी पर भाजपा के साथ है। ऐसी परिस्थितियों में ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या हैं, क्या नीतीश कुमार भाजपा से डर गए हैं या नीतीश कुमार भाजपा की ही रणनीति पर आगे काम करेंगे। इसके लिए आपको नीतीश कुमार के विरोधियों के बयान को भी देखना होगा, जहां एक तरफ रालोसपा ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मौका परस्ती का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की है, वहीं राजद ने और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बाद जो संगठन मुसलमानों के प्रति हिंसा सबसे ज़्यादा रखता है मन में, वो है नीतीश कुमार की जदयू। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज अपना असली चरित्र दिखा दिया है सदन में। जो भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी मतभिन्नता है इन सभी मुद्दों को लेकर, और कहीं ना कहीं इससे यही लग रहा है कि नीतीश ने एक बार फिर से भाजपा को अपने डबल गेम में फंसा लिया है। जहां एक तरफ लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, वहीं परिस्थितियां ऐसी हैं जिस तरह से जेडीयू के पुनर्विचार और नीतीश कुमार के पुनर्विचार की बातें सामने आ रही हैं, ये लग रहा है कि शायद जदयू राज्यसभा में इस बिल को उतनी प्राथमिकता के साथ भाव न दे और कहीं ना कहीं इसका समर्थन ना करे या फिर मतभिन्नता के साथ समर्थन करे। ऐसी परिस्थिति में ये बिल फिर एक बार लटक सकता है, जैसे कि मोदी वन में ये बिल लटक गया था। आपको बता दें कि मोदी वन में भी जब मोदी मंत्रिमंडल का पहला मौका था, उस बार भी ये बिल पास नहीं हो पाया था इन्हीं सभी कारणों की वजह से, और अंततः दोबारा इसे फिर प्रस्तुत कर दिया गया और अब लोकसभा से ये फिर पारित हो चुका है अच्छे खासे बहुमत के साथ, मगर फिर से एक बार राज्यसभा में इसके फंसने की संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं जब जदयू में दो फाड़ हो जाता है इस बिल को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।